मेरा नाम है दीपक गोयल और मेरे चैनल में आने का शुक्रिया। आज फिर एक वीडियो लेके आया हूँ डीडी हाउसिंग स्कीम 2022 को लेके। इससे मैंने बहुत से वीडियोस बनाए हैं, हर एक में मैंने कहा है कि बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है इस स्कीम से। आज मैं बताने वाला हूँ कैसे डीडी एक बहुत बड़ा स्कैम कर रहा है हाउसिंग स्कीम 2022 को लेके। सारा डिटेल दूंगा, ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है कि आप कोई भी एप्लीकेशन दे रहे हैं, चाहे EWS के लिए, चाहे LIG, चाहे MIG, HIG, आपको एक प्रोसेसिंग फ़ी देनी है जो कि 2,000 रुपये है। ये प्रोसेसिंग फ़ी नॉन रिफंडेबल है। पिछली स्कीम्स के अनुमान के हिसाब से अब की करीब 11 से 12 लाख एप्लीकेशन आएंगी DDA को इस हाउसिंग स्कीम में। 11-12 लाख रुपये को 2,000 से मल्टीप्लाई करें तो करीब 225 करोड़ रुपये आता है। ये 225 करोड़ रुपए रिफंड नहीं करेगी, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी है। डीडी ने साफ कह दिया कि इसको रिफंड नहीं करेंगे, यानी सिर्फ एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी से डीडी करीब 225 करोड़ रुपए उठा लेगी इस स्कीम द्वारा। अब आते हैं रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे। अगर आप LIG कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 1 लाख रुपये आपको पे करना है। MIG और HIG कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 2 लाख रुपये रजिस्ट्रेशन फी देनी है और EWS के लिए 25,000 रुपये देनी है। अब देखते हैं कि क्या नियम शर्तें बनाई हैं डीडी ने रजिस्ट्रेशन फी रिफंड करने के लिए। डीडीए ने कहा है कि अगर आपका कट अलॉट हो गया और आप 15 दिन के अंदर वापस कर रहे हैं तो आपका 10% रजिस्ट्रेशन अमाउंट कट जाएगा। अगर आपने 2 लाख रुपए रजिस्ट्रेशन अमाउंट दिए हैं तो उसका 10% हुआ 20,000 रुपये, 20,000 रुपये काट के डीडीए वापस करेगी, यानी 1,80,000 रुपये वापस करेगी। अगर आप 15 दिन से 30 दिन के बीच में वापस कर रहे हैं अपना फ्लैट तो डीडीए आपका 20% पैसा काट लेगी, यानी 40,000 रुपये काट लेगी। अगर आप 30 दिन से 90 दिन के बीच में वापस कर रहे हैं तो डीडीए आपका 50% रजिस्ट्रेशन अमाउंट काट लेगी, यानी 1 लाख रुपये काट लेगी। और किन्हीं वजहों से आप 3 महीने के अंदर वापस नहीं कर पाए अपना फ्लैट तो आपका पूरा रजिस्ट्रेशन अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा, पूरे 2 लाख रुपये डीडीए रख देगी। तो इससे चलते करीब 600 से 800 करोड़ रुपए का सीधा मुनाफा होगा डीडीए को सिर्फ रजिस्ट्रेशन अमाउंट। डीडीए गलत तरह से आपको मकान अलॉट करती है, जो आप चॉइस भरते भी नहीं अपने फॉर्म में वहाँ के एरिया में आपको अप्लाई कर देती है, ऐसी बहुत सी खबरें आ चुकी हैं। अभी 29 दिसंबर को खबर आई है, यानी आपसे 25-26 दिन पहले खबर आई है, आप पढ़ सकते हैं द हिंदू अखबार में, ऑनलाइन है, आप खुद जाके पढ़ सकते हैं। उसमें भी लिखा है कि लोगों ने नरेला अप्लाई भी नहीं किया था, नरेला में डीडीए ने जबरदस्ती फ्लैट अलॉट कर दिया और फिर जब फ्लैट अलॉट हो जाता है उसके बाद कुछ ना कुछ तो रजिस्ट्रेशन अमाउंट में डीडीए काट ही लेगी, हो सकता है कि पूरा भी फॉरफिट हो जाए। तो और अगर हम एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फी और रजिस्ट्रेशन अमाउंट दोनों को जोड़ दें, करीब 800-900 करोड़ रुपये, 1,000 करोड़ रुपये का सीधा फायदा हो रहा है डीडीए। ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, शायद डीडीए की हिस्ट्री में सबसे बड़ा स्कैम होगा। मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हैं सब में कहा है कि सतर्क रहने की ज़रूरत है, आज भी कह रहा हूँ ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। इस स्कीम से बहुत केयरफुल रहिए, सतर्क रहिए। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।